हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके ओनला सर्विस में। दोस्तों, आपने पिछली क्लास में 25 से लेकर 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उससे पहले की जो क्लास थी वहाँ पर आपने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास को पूरा देखें, क्योंकि आप क्या करते हैं कि एक या दो क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्लास को छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो अधूरे रह जाते, दूसरा आपका लगता है कि हमने पूरी क्लास कंप्लीट कर ली है, और बाद में आप कहेंगे कि सर हमने तो पूरा पढ़ा है लेकिन हमें आया क्वेश्चन आए तो नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आप क्लास को पूरा देखेंगे तभी तो आपको सभी क्वेश्चनों को पता चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई आप हमने क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ाया और वो ही आ जाए, हो सकता है वो 10वें नंबर का क्वेश्चन आ जाए या 15वें क्वेश्चन नंबर का आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपको क्लास को पूरा ही देखना है, तो आप सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक भी मिल जाएगी, जो हमारी फर्स्ट लेसन से अभी तक की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप प्रत्येक क्लास को ध्यानपूर्वक याद रखें और ध्यानपूर्वक सभी को देख लें, तभी आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली क्लासेस है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारे सामने जो स्क्रीन है उसके सामने पहला क्वेश्चन है, यानी 51 क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ड्राइव में पार्टीशनिंग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है। दोस्तों, अगर सभी का आपका आंसर आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है, पहला है BVR, दूसरा है LEVR, तीसरा है MBR और चौथा है BIOS। तो दोस्तों, आपको इसमें सही आंसर चॉइस करना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर वो है आपका MBR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सेल में एक्टिव सेल विषय वस्तु डैश में डिस्प्ले होते हैं। पहला है फूटर बार, दूसरा है टूल बार, तीसरा है टास्क बार और चौथा है फार्मूला बार। ठीक है, तो आपको सही आंसर चॉइस करना है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु कहाँ पर होते हैं डिस्प्ले। तो दोस्तों, वो होता है फार्मूला बार, क्योंकि फार्मूला बार में ही सभी जानकारी डिस्प्ले होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैनुअल रूप से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है। पहला है आपके सामने ऑप्शन फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, दूसरा है सीजेट नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है बस नेटवर्क और चौथा ऑप्शन है रिंग नेटवर्क। तो आपको इसमें सही आंसर चॉइस करना है कि आपका सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर वो है सीजेट नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। पहला, संसाधनों का नियत करना, दूसरा क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, तीसरा है डिस्क एवं फाइलों को मैनेज करना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर वो है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ डैश है। सबसे पहला ऑप्शन है डाटा एग्रीगेट होता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों के लिए के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है डाटा अतिरिक्तता में बढ़ोतरी होती है। तीसरा ऑप्शन है डाटा मशीन पर निर्भर होता है। चौथा ऑप्शन है सिस्टम में सोपानिक अप्रोच होती है। तो आपको जो सही आंसर है वो है आपका, डाटा एग्रीगेट होता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा थी। पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है C++, तीसरा ऑप्शन है फोरट्रान और चौथा ऑप्शन है HTML।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है आपका फोरट्रान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने में डैश की उपयोग किया जाता है। यानी आपको यहाँ फंक्शन की के बारे में जानकारी देनी है कि F10 है या F12, सॉरी F11 है या F1 या F5। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका F11। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइल अंतरण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है फाइल ट्रांसफर, दूसरा है अनुकरण, तीसरा ऑप्शन है डाउनलोडिंग और चौथा है स्ट्रीमिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको आ जाएगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर वो है आपका डाउनलोडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला वेब प्रोटोकॉल है। पहला है URL, दूसरा है HTTP, दूसरा है तीसरा है HTML और चौथा है ISP। तो आपको इसमें सही आंसर चॉइस करना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर वो है आपका HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका मतलब होता है यूनिसोर्स रिसोर्स लोकेटर, सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, VBA में एकल डेटा टाइप के लिए 10 बाइटों की आवश्यकता होती है। आपके सामने है ऑप्शन 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट या 1 बाइट। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर वो है आपका 4 बाइट, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर किया जा सकता है। पहला आपका है बर स्ट्रे नेम, दूसरा है स्ट्रे नेम बर और बॉल STR या STR, सिंपल। तो आपको सही आंसर चॉइस करना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर वो है आपका वर STR नेम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, MS Excel में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वर्कशीट, दूसरा ऑप्शन है शीट बुक, तीसरा ऑप्शन है वर्क बुक और चौथा ऑप्शन है एक्सेल बुक। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, आपको आ ही जाएगा। तो दोस्तों का सही आंसर वो है आपका वर्क बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पॉस डैश है वह है समय तथा स्थान, रिटेल ट्रांजेक्शन होता है, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिस्कशन, प्रोडक्ट ओवरव्यू, सिनेरियो या यूनिटी मीटिंग। तो उसको आपको सही आंसर चॉइस करना है, इसमें सही आंसर कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों का जो सही आंसर वो है आपका पहला, यानी वह है समय तथा स्थान जहां रिटेलर ट्रांजैक्शन होता है। दोस्तों जो पॉस है इसका उपयोग ज़्यादातर आपने देखा होगा ऑनलाइन की शॉप पर, इसका यूज़ ज़्यादा होता है, जहाँ पर ATM के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। आपने देखा छोटी मशीन होती है उसे ही पॉस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, HTML में फंडामेंटल मूलभूत टैग डैश कहा जाता है, PRL, BLL, हेड या HTML। दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगा आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर वो है आपका HTML। HTML ही फंडामेंटल यानी मूलभूत टैग होता है, क्योंकि जब भी आप HTML बनाएंगे तो आपका स्टार्टिंग टैग भी HTML होगा और क्लोजिंग टैग भी HTML होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डॉस कमांडो में सर्वाधिक लंबाई डैश होती है, 147, 127, 187 और 107। आपको इसका सही आंसर चॉइस करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है आपका 127।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है। पहला ऑप्शन है टेबल, दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है फॉर्म और चौथा ऑप्शन है कैरी। आपको इसमें सही आंसर चॉइस करना है, इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है आपका टेबल, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लो चार्ट में निम्न में से किस आरेख का उपयोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों। ये फ्लो चार्ट है, यह कार्य जब आप कोई भी नई वेबसाइट बनाते हैं या किसी भी वस्तु को कार्य करते हैं तो उसका एक चार्ट बनाया जाता है जिसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। जब आप भविष्य में इसके थ्योरिकल लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कंट्रोल प्लस इक्वल कुंजी का प्रभाव होता है। फंड साइज बढ़ाता है, फंड साइज घटाता है, या सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। तो आपको इसमें सही आंसर चॉइस करना है, इसका सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है आपका सबस्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में स्पेलिंग टूल टूल बार में होता है। यहाँ पर आपको स्पेलिंग टूल के बारे में जानकारी देना है कि वह किस टूल बार में होता है। पहला आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, या व्यू टूल बार में, या फाइल ऑप्शन में। तो दोस्तों का जो सही आंसर वो है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में स्पेलिंग टूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लॉटर एक डैश डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या पिक में से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगा, क्योंकि प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है, बुलेट्स, लैंडस्केप, क्लिप आर्ट या मैक्रो। तो हमारा जो सही आंसर वो है आपका लैंडस्केप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डबम टर्मिनल एक डैश से बना होता है। पहला एक्सटेंशन कार्ड, दूसरा कीबोर्ड तथा स्क्रीन, तीसरा ऑप्शन है मदरबोर्ड, चौथा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट प्रोसेसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है आपका कीबोर्ड तथा स्क्रीन के द्वारा बना रहता है डम टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है। यहाँ पर आपको साइज के बारे में देना जानकारी देना है कि किस में सबसे ज़्यादा स्टोरेज किया जा सकता है। पहला है मेगाबाइट, दूसरा गीगाबाइट, तीसरा है टेराबाइट और चौथा है किलोबाइट। ठीक है, यानी कि MB, GB, TB और KB। तो आपका सही आंसर आपको पता ही होगा कौन सा है, टेराबाइट, क्योंकि टेराबाइट इन सभी से ज़्यादा संचयन करने वाली डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसने संचयन प्रोग्राम की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों यह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जो हमारी संचारित कन्या का जो प्रोग्राम है वो किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने, जबकि चार्ल्स बेबेज क्या है, जनक हैं कंप्यूटर के, और बिल गेट्स ने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, और जॉन नेपियन थे, इन्होंने नोपियन बोन्स की स्थापना यानी नोपियन बैंस बोन्स बनाया था जो कि हड्डियों का बना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेटवर्किंग में गेटवे क्या होता है। पहला ऑप्शन है यह दो अथवा दो से अधिक खंडों के मध्यम संयोजन प्रदान करता है, दूसरा यह डेटा पैकेटों को नेटवर्क पर अनुमार्गित करता है, तीसरा ऑप्शन है इसका उपयोग रिमोट एक्सेस के लिए होता है, और चौथा ऑप्शन है यह सिक्योरिटी एवं डेटा लॉगिंग को दिखाता है। तो आपको इसमें सही आंसर चॉइस करना है क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है आपका यह दो अथवा दो से अधिक खंडों के मध्य संयोजन प्रदान करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 75 यानी 50 से लेकर 75 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके जो
75 क्वेश्चन हैं वो आपके 3 क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने जो हमारी जो पिछली क्लास नहीं देखी तो आप पिछली क्लास देख लें और सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देख लें, क्योंकि अगर आप सभी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपका कुछ नंबर है वो नहीं आएंगे। तो आप फिर आप कहेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप पूरा नहीं देखते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पूरा देखा है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो जल्द ही आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों के साथ पास भी हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।